हेलो दोस्तों, मैं राकेश और आप देख रहे हैं रॉकी ज्ञान टेक। दोस्तों, आज की वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। जैसा कि आप लोग हमेशा से कमेंट करते आ रहे हैं कि यदि हम यूपी के हैं और यूपी के अंदर किसी दूसरे जगह पर या ज़िले में जाना हो तो हम कैसे जाएंगे, या फिर बिहार के हैं और बिहार के अंदर ही किसी दूसरे ज़िले या दूसरे जगह पर जाना हो तो कैसे जाएंगे। तो चाहे आप किसी भी राज्य के हों और आपके चाहे किसी भी जगह पर जाना हो, आप राज्य में किसी भी जगह पर जाना हो या फिर किसी दूसरे राज्य में जाना हो, तो इन सभी कंडीशन में आपको एक मूवमेंट पास की जरूरत पड़ेगी। और सबसे अच्छी खबर यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक वेबसाइट लॉन्च किया है जहां से आप 17 राज्यों के मूवमेंट पास के लिए एक ही जगह से अप्लाई कर सकते हैं। ई पास बनवाकर आप एक जगह से दूसरे जगह पर जा सकते हैं, एक ज़िले से दूसरी जगह जा सकते हैं, या एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जा सकते हैं, या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूं कि आप ऑनलाइन ई पास कैसे बनाएंगे और इसके लिए अप्लाई कैसे करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले गूगल में जाकर टाइप करना होगा service.onlinegov.in। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप वहां से लिंक पे क्लिक करके इस पेज पे आ सकते हैं। तो इस पेज पे आने के बाद देखिए, सबसे नीचे आप यहां पे 19 राज्यों का ई पास बना सकते हैं। देखिए यहां पे दिया है अप्लाई करने के लिए स्टेट, यहां पे क्लिक करेंगे, यहां पे क्लिक करेंगे, सभी स्टेट आ रहे हैं 19 राज्यों के। यहां पे मान लीजिए हम बिहार सेलेक्ट कर लिए तो यहां देखिए लिंक आ रहा है, इस लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। लिंक पर क्लिक करने के बाद देखिए फॉर्म फिलअप करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहां पर आपके आवेदक का नाम डालना है, यहां पर पिता का नाम डालना है, यहां पर उम्र डाल देना, यहां पर लिंक सेलेक्ट कर लेना, यहां पर मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पे ईमेल आईडी सेलेक्ट टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे पहचान पत्र डाल देना, आधार कार्ड, वोटर आईडी, क्या यहाँ पे पहचान पत्र संख्या डाल देना है। उसके बाद जाएंगे तो यात्रा ई पास की वैधता डालना है, कब से आपको जाना है, कौन से तारीख में, कौन से टाइम से और कब तक के लिए, कौन से डेट में और कौन से टाइम तक चाहिए आपको, कब तक चाहिए वो टाइम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद और नीचे जाएंगे तो वाहन का प्रकार आपको सेलेक्ट कर लेना है। वाहन का प्रकार पर क्लिक करिए, देखिए यहाँ पर दो पहिया या तीन पहिया, चार पहिया, इसमें जो भी है आप कौन से वाहन से जाना चाहते हैं आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आगे जाइएगा तो यहाँ पे देखिए संचालन का प्रकार दिया है आपका, वहाँ व्हीकल संख्या डाल देना है और आपको यहाँ यात्रियों की ड्राइवर सहित कितनी यात्री हैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे संचालन का प्रकार डालना है आपका, संचालन का प्रकार ज़िले के भीतर आपको जाना है या एक ज़िले से दूसरे ज़िले पर जाना है या फिर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर जाना है, यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर यात्रा का प्रयोजन सेलेक्ट कर लेना, आप किस आधिकारिक हैं, व्यापार किससे हैं संबंधित या किससे आपको जाना है सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पर ई कॉमर्स या थोक विक्रेता है या खुदरा विक्रेता है, यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आगे जाएंगे तो प्रयोजन का कारण, किस कारण से आप जाना चाहते हैं, यहाँ विवरण डाल देना। यदि आपके पास विजिटिंग कार्ड है तो विजिटिंग कार्ड अपलोड कर देना है। प्रस्थान स्थल कहाँ पे है वहाँ फॉर्म आपको कहाँ अप्लाई करना है वहाँ जिला डाल देना है, कहाँ के लिए अप्लाई करना है, स्थल कहाँ जाने के लिए वो गंतव्य स्थान डाल देना जहाँ आप जाना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए गंतव्य जिला डाल देना वहाँ का और वर्तमान पता डाल देना आप कहाँ पे हो, वहाँ का वर्तमान पता, निर्धारित रूट डाल देना कौन से रूट से आप जाएंगे। और आगे जाएंगे तो वाहन पास का प्रकार डाल देना है, एक तरफा है या दो तरफा, एक तरफ से पास लेना चाहते हैं या उधर से रिटर्न भी आना चाहते हैं, दो तरफा भी ले सकते हैं। यहाँ पे जिला जहाँ आवेदन देना चाहते हैं उस जिला सेलेक्ट कर लेना है और आगे जाएंगे तो अनुमंडल जहाँ आवेदन देना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद और आगे जाएंगे तो यहाँ फोटो लगाना है, 20 KB में जो साइज़ है, 20 KB से 350 KB तक है, फॉर्मेट चाहिए JPG, PNG भी चाहिए, JPEG फॉर्मेट में यहाँ अपलोड कर देना है। यहाँ देखिए घोषणा दिया है कि क्या आपके परिवार में किसी सदस्य ने फरवरी मार्च में विदेश यात्रा किया है, तो अगर किया है तो हाँ, नहीं किया तो उसको कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो और आगे देखिए दिया है क्या घर या परिवार में किसी सदस्य ने फरवरी मार्च में राज्य के बाहर यात्रा किया है, यदि किया है यात्रा तो हाँ पे क्लिक कर देना, नहीं तो नहीं करना, इस तरह आप इसको फिलअप कर देंगे। नीचे देखिए शपथ पत्र है, आई एग्री पे क्लिक करेंगे, वर्ड वेरिफिकेशन है सेम वही टाइप कर देना है और प्रोसेस पे क्लिक कर देना है। प्रोसेस पे क्लिक करने जो भी विवरण हमने भरा था वो देखिए यहाँ पे सामने आ गया दिख रहा है। अटैच एक्सक्लोजर पे क्लिक करेंगे, अटैच एक्सक्लोजर इनक्लोजर पे क्लिक करने के बाद यहाँ आवेदक का पहचान पत्र, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड जो भी सिलेक्ट करना है सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से फाइल अपलोड कर देंगे, उसके फाइल अपलोड करना होगा और नीचे जाएंगे संदर्भित दस्तावेज पे करेंगे रिफरेंस डॉक्यूमेंट फॉर पास के लिए ई पास
परपोज के लिए आपको सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से फाइल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप जाएंगे तो सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पे जो भी सबमिट कर देना है, सबमिट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है, ई पास अप्लाई आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देखिए ई पास नंबर आ गया, यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं उसका, यहाँ से एक्सप्लोरर PDF फाइल भी बना के डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसको हम स्टेटस भी इसका हम चेक कर सकते हैं। यहाँ से देखिए हम कॉपी कर ले रहे हैं आवेदन संख्या कॉपी करने के बाद देखिए यहाँ ऊपर जाएंगे तो देखिए ट्रैक योर एप्लीकेशन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद स्टेट सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ देखिए यहाँ पे रिफ्रेश नंबर के माध्यम से भी चेक कर सकते हैं और मोबाइल पे OTP के माध्यम से भी चेक कर सकते हैं। तो मैंने रेफरेंस नंबर पर क्लिक किया तो यहाँ पर जो भी हमने आवेदन संख्या डाला कॉपी किया था यहाँ फिलअप कर देंगे। यहाँ पर ट्रैक थॉट पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर एप्लीकेशन सबमिशन डेट डाल देना है जौन से डेट में ये एप्लीकेशन किए थे और यहाँ पर वेरिफिकेशन करके ओपन कर देना है। इस तरह आपका स्टेटस जो भी है ये शो करेगा। यहाँ से 19 राज्यों का है, यहाँ से कोई भी किसी भी राज्य के आप यहाँ से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना और मेरे चैनल पर अभी नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना और जो भी आपकी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।